प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो दिन पहले मुझे कई बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए पुणे आना था, लेकिन भारी बारिश के कारण कार्यक्रम रद्द हो गया। पुणे की कण कण में राष्ट्रभक्ति है, यहाँ पर आना अपने आप में ऊर्जावान बना देता है। अभी जिला अदालत से स्वागत गेट का सेक्शन रूट का लोकार्पण हुआ है, इस रूट पर भी अब मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। पुणे में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने का जो सपना है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सोलापुर को सीधे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट का काम पूरा कर लिया गया है। राज्य की प्रगति के लिए विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार की निरंतरता जरूरी होती है। जब जब इसमें रुकावट आती है तो महाराष्ट्र को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आप देखिए, मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट हो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो, या किसानों के लिए सिंचाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम हो, डबल इंजन सरकार से पहले महाराष्ट्र के विकास के लिए जरूरी ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स डिलेड हो गए थे। इसी का एक और उदाहरण है बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया। हमारी सरकार के समय मेरे मित्र देवेंद्र जी ने ऑरिक सिटी की संकल्पना रखी थी। उन्होंने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर शिंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया की नींव रखी थी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस पर काम होना था, लेकिन बीच में ये काम भी ठप हो गया था। अब शिंदे जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उन अड़चनों को भी हटाने का काम किया है।